Guys, क्या आप ये जानते हो कि अगर आपको पहले से पता है कि आपको जाना कहाँ है या आपका डेस्टिनेशन क्या है ये आपके जर्नी को ज्यादा एंजॉयबल ज्यादा इजी और ज्यादा फेल प्रूफ बना देता है क्या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो बट यू आर कंफ्यूज हाउ एंड वे टू स्टार्ट एंड हाउ टू प्लान द वर्कआउट्स तो गैस हमें से ज्यादातर लोगों में एक बड़ा रीजन होता है अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट ना करने का क्यों क्योंकि वो कन्फ्यूज होते हैं एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करना है अगर आपको भी ये कन्फ्यूज है तो जस्ट गेट इन गाइस दिस वीडियो इज फॉर यू इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने वीक को प्री प्लान कर सकते हो कैसे आप अपने वर्कआउट्स को डे वाइज सेपरेटली प्लान कर सकते हो और एवरी डे एक नया एक्टिविटी कर सकते हो इन इनिशियल स्टेज जो आपको बनाए रखता है मोटिवेटेड एंड मोर एंगेज और मोर फोकस जिससे कि आप इस जर्नी में कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सके और इस जर्नी को आप फेल प्रूफ बना सके तो हाय गाइस, दिस इज संजू कालीवाला आई एम द फाउंडर ऑफ द नेचुरल लाइफस्टाइल हब एंड ऑन ए मिशन टू हेल्प एटलीस्ट हंड्रेड थाउजेंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू अचीव देयर फिटनेस टू अचीव देयर गुड हेल्थ एंड इवन टू अचीव देयर लॉन्जिविटी बाय अप्लाइंग ऑल नेचुरल टेक्निक्स तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स डू द वीडियो तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और हमेशा अपना शेड्यूल बिजी और टाइट रहता है और आपको फिटनेस के लिए टाइम निकालना बड़ा टफ टास्क बन, बन चुका है तो अगर आप इजीली इसे टैकल कर सकते हो भाई प्री प्लानिंग द वीक और प्री प्लानिंग द डे और इवेंट बाई प्री प्लानिंग द मंथ तो इसमें से मैं पाँच छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर आया फाइव डे से वीक के प्लान के तौर पर बिकॉज इन इनिशियल डेज आपको फोर टू फाइव डेज पर वीक वर्कआउट काफ़ी हो जाएगा सो आई आई केम अप विथ ये अप्रोच एक छोटा सा प्लान जहाँ पे मैंने हर डे को डिवाइड किया है एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी के नीचे जिससे कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे जिससे कि आपको थोड़ा एक्साइटमेंट मिलता रहे आपको नेक्स्ट डे को ले और ये हेल्प करेगा आपको ज़्यादा इस जर्नी में एंगेज रखने में और आपका फोकस

Will be your flexibility and overall wellness day. And fourth day, we will target on your cardio and your core part. And the fifth day will be fun and flexibility. So, getting confused? Let me explain day wise activities by a little bit more elaboration. So on Monday, we will be working on your mindset because. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है इस जर्नी में आपको अच्छे से रिजल्ट पाना है इस जर्नी में ना ही आपका सिर्फ वर्कआउट या डाइट हेल्प करेगा इससे पहले आपको आपके माइंडसेट पे काम करने पड़ेगा और मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा जिस जो हेल्प कर सकता है आपको इस जर्नी में आगे बढ़ते रहने में तो इसमें क्या कर सकते यू कैन स्टार्ट योर माइंडसेट एंड मोटिवेशनल मंडे इस डे का इंटेंशन है आप लिख सकते हो कहीं पर आई एम कमिटेड आई एम स्ट्रॉन्ग आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग आई एम गोइंग टू अचीव माई फिटनेस गोल्स वगैरह वगैरह

आपको मदद मिलती है आपको मेंटली एकदम स्ट्रांग बनने में जो आपको एक क्रूशल पार्ट प्ले करता है आपके फिटनेस में अच्छे रिजल्ट पाने में सो यू कैन स्टार्ट विथ मॉर्निंग रिचुअल सेकेंड यू कैन फिक्स स्मार्ट गोल्स स्मार्ट गोल जो मैं हर वीडियो में जो कहता हूँ आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए मेजरेबल होना चाहिए अचिवेबल होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए और एक टाइम बॉन्ड के साथ एक्सपेक्टेड होना चाहिए थर्ड कमिंग टू वर्कआउट स्टार्ट विथ लाइट काइंड ऑफ एक्टिविटी बिकॉज इन इनिशियल स्टेज ऐसा नहीं है इसकी आपको एकदम कुछ हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज करना है आपको एकदम ज्यादा वर्कआउट ऐड कर देना है जो लीड कर सकता है आपको फिर डीमोटिवेशन की तरफ और विच कैन इवन कैन पुट ए नेगेटिव इम्पैक्ट अबाउट द एक्टिविटी इन यूर तो इससे बचने के लिए जस्ट स्टार्ट विथ लाइट एक्टिविटी जैसे हो गया मिनट ब्रिस्क वॉक घर में ही थोड़े से स्ट्रेचिंग्स वगैरह वगैरह से एंड थर्ड यू कैन प्रैक्टिस ऑन एंगेजिंग टेक्निक एंगेजिंग टेक्निक यू कैन इमेजिन योर सेल्फ हाउ यू आर गोइंग टू लुक आफ्टर अचीविंग दिस गोल एंड कैसे आपकी जिंदगी बदल चुकी है या आप एक नए इंसान के तौर पे कैसे हो उभर गए हो आपके गोल अचीव करने में वैसा आप कुछ इमेजिन करिए और खुद को कनेक्टेड रखिए जिससे कि आपको मदद मिले आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बनने में है और आपको इस जर्नी में आगे दैट वाज डे वन ऑफ द वीक वेर यू विल वर्किंग कम्प्लीटली ऑन योर माइंड आप इंटरनली आप एक मेंटली स्ट्रांग बनने, so like बनने पर काम कर रहे हो और फीडिंग योर ब्रेन विद पॉजिटिव अफॉर्मेशन एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल कार्डियो सेशन अब टाइम है इस डे टू का सो लेट्स ही आपका डे टू कैसा रहना चाहिए और व्हाट आई गॉट फॉर यू डे टू टाइम टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन यूर रूटीन अगर आपको जैसे मैं हमेशा दूसरे वीडियोस में कहते रहता हूँ अगर आपको ओवरऑल हेल्थ अचीव करना है आपको कंप्लीटली फिट बनना है तो आपको कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना उतना ही जरूरी होता है क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अपने बेनिफिट होते हैं जैसे आपके मजल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके फैन फैट एडिक्शन में हेल्प करता है आपको गुड लुकिंग बनाता है वगैरह वगैरह सो डे टू इज़ अ टाइम टू इंट्रोड्यूस योर स्ट्रेंट्रनिंग और स्ट्रेंटनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई जिम ज्वाइन करना है या कुछ हीवी वेट्स घर पे लाके के हेवी से हेवी वेट से आपको वर्कआउट स्टार्ट कर देना है इट नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट अगर आप एक बिगिनर पोजिशन पर हो तो आप एक बेसिक ड्रिल्स से स्टार्ट करिए जो आपके घर पर भी हो सकते हैं फॉर फ्यू वीक्स और जो आपको हेल्प करेंगे आपको रेडी होने में फॉर फर्दर लिफ्टिंग लिटिल बिट हैवी तो so, ये कैसे स्टार्ट कर सकते हैं गाइस सो यू कैन स्टार्ट विथ क्विक मॉर्निंग रूटीन क्विक मॉर्निंग रूटीन में क्या हो सकता है आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम बेड गोइंग फॉर सम शॉर्ट वार्म अप काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप कर सकते हो थोड़े जंपिंग वर्कआउट्स थोड़े स्पॉट मार्चिंग जैसे और थोड़े जंप एंड जैक्स जैसे एंड uh, थोड़े माउंटेन क्लाइंबर्स अगर पॉसिबल हुआ तो तो ऐसे छोटे से सेव टू टेन मिनट्स विल बी योर क्विक मॉर्निंग रूटीन आफ्टर दैट आफ्टर दैट वार्म अप यू कैन इंट्रोड्यूस

फॉर नेक्स्ट डे एंड जो हेल्प करता है आपको ज्यादा मोटिवेट रखने में इसीलिए मैंने यहाँ पे डे वन में माइंड सेट पर काम किया है और डे टू माई आई सजेस्ट ऑन वर्किंग ऑन स्ट्रेंथ एंड डे थ्री वी विल वर्क ऑन यूर ऑन आवर फ्लेक्सीबिलिटी एंड एट द सेम टाइम ओवरऑल वेलनेस सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन वॉट आई एम हैविंग डे थ्री तो डे थ्री एज अ सेट वेलनेस एंड फ्लेक्सीबिलिटी सो ये डे आप स्टार्ट कर सकते हो विथ मॉर्निंग मेडिटेशन आफ्टर वेकिंग आप एक फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स ऑफ मेडिटेशन बहुत जो आपको हेल्प करेगा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने में इससे कनेक्ट करने में जो हेल्प करेगा आपको हारमोन्स रेगुलेट करने में जो हेल्प करेगा आपके पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करने में और इस डे आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए इस सो एज आई सेड यू दिस डे मस्ट बी मोर फोकस्ड ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी सो पंद्रह से बीस मिनट फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी बोट जो आपको हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर में इंज्यूर से बचाने के लिए एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी विल आल्सो लीड्स टू मोर बर्निंग आल्सो लीड्स टू ओवरऑल हेल्थ एंड आपका वेट लॉस में भी थोड़ा आपका मदद करेगा यू कैन स्टार्ट स्टार्टी टू ट्वेंटी मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग ईच एंड एवरी मजल पे फिफ्टीन टवेंटी सेकेंड्स विथ टू टू थ्री थ्री सेट्स आप कर सकते हो एंड यू कैन वर्क ऑन योर ब्रीथिंग वर्कआउट्स इंक्लूड ब्रीथिंग वर्कआउट्स लाइक प्राणायाम्स एंड थर्ड एस्पेक्ट यू कैन वर्क ऑन योर माइंडफुल ईटिंग पैटर्न तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए माइंडफुल ईटिंग जहाँ पे आप अपने खाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो आपका खाना कम स्पीड से खा रहे हो एंड वेल ईटिंग ओनली ईटिंग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंड एंजॉइंग द फूड एंड ंग टू योर बॉडी ईटिंग ओनली वेन यूर हंगर ट्रिगर्स वगैरह वगैरह फ्लेक्सिबल वेनर्स डे दिस वॉज थर्ड डे नो लेट डाइव इन द फोर्थ डे ऑफ द वीक थ्री डेज ऑफ द वीक जहां पे हमने माइंड सेट पे काम किया है अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम किया है और

स्ट्रॉन्ग बनाने में क्योंकि गैस कोर मजल्स आर द मजल्स विच आर हाइपर एक्टिव मजल जो दिन भर अपना काम करते रहते हैं अनटिल अनलेस यू लेड ऑन अगर वो मजल्स को आप स्ट्रांग रखेंगे तो यू विल बी इन गुड पोस्टर एंड यू विल बी अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरीज ऑल्सो इसलिए कोर मजल्स को एक्टिवेट करना या स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सो एज ए सेड

after completing the HIT training you can introduce some core exercises core exercises में सबसे अच्छे workouts होते हैं balancing workouts जैसे one leg पे balance करना wood choppers planks हाँ इसके बाद you can add crunches bridges cobra poses etc etc जिससे कि आपके जो भी core muscles है वो सब strong बन जाए so this was the fourth day now let's dive in the fifth day of the week this will be the end of the week so let's see what we are having on this day so guys those were the powerful four days of the week let's dive in the fifth day and the last day of the week because as i said you if you are a beginner if you are in an initial stage of your workout upco week may four to five days of workout will be more than enough to do

यू कैन वर्क ऑन योर फन एंड फ्लेक्सीबिलिटी यू कैन नेम दिस एज ए फन एंड फ्लेक्सीबिलिटी फ्राइडे ऑल्स यहाँ पे क्या होता है गाइस यू कैन एंड दिस वीक विथ फन एंड मोर फ्लेक्सीबल एक्टिविटी जिससे कि आपको थोड़ा uh, जो पूरे वीक में आप जो भी किए हो वर्कआउट्स उससे थोड़ा रिकवरी मिल जाए साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीक uh, एक एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करने के लिए एक चांस भी मिल जाए और ए डे आपको स्टार्ट करना है मिनिमम मॉर्निंग uh, स्ट्रिचेस से थोड़े मॉर्निंग में स्ट्रिचिंग स्ट्रेचिंग द कंप्लीट बॉडी फॉर 15 टू 20 मिनट्स उसके बाद क्विक रूटीन छोटे से वार्म अप के साथ देन यू कैन गो फॉर वर्कआउट वर्कआउट का मतलब एक 30 मिनट से 40 मिनट या वन आवर यूर फेवरेट कैन बी डांसिंग इट कैन बी प्लेइंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इट कैन बी स्विमिंग और इवन इट कैन बी ग्रुप फिटनेस क्लासेस क्लास तो आपको जो पसंद है डे पे ऐड कर सकते हो एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग एंड ऑफ दिफ्लेक्ट द डे चेक करिए कि इस वीक में आपने क्या क्या किया है एंड व्हाट आर दिंग्स वर्क फॉर यू एंड व्हाट आर दिंग्स डिट वर्क फॉर यू एंड आउ कैन इम्प्रूव दोंग डाउन दॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इवेन replanning the next week will also be a better option so guys these were the five different divided into different different activities to make your journey more enjoyable because if you don't enjoy the journey there are high chances that you will be moving towards demotivation if you are demotivated obviously you will be discontinuing journey which will not going to help you out to become healthier and fitter and live for longer life so guys making the journey enjoyable the only option which will help you to become more consistent and to see more results in this journey so this was a short video to plan the week this was the only kind of template kind of thing you can utilize this video and you can plan the week as per your comfortability as per your schedule and as per your choices so guys hope you felt this video informative if you felt this video informative please do like and share with your friends and please subscribe and hit the bell icon so that you can get notifications for my further videos so guys this is sanju kaliwala signing off see you in the next video till the time stay healthy stay fit and stay natural